भाइयों इंडिया पे पहली बार 10,000 के अंदर एक 5G स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है। सही सुना आपने, 10,000 के अंदर एक 5G स्मार्टफोन, वो भी इंडियन कंपनी की तरफ से। जी हाँ, लाभा ब्लेज 5G की बात कर रहा हूं मैं। काफी सारा भाई लोग काफी दिन से मुझे कमेंट कर रहा है, भाई कब लॉन्च हो रहा है, लॉन्च हुआ या फिर नहीं हुआ। तो फाइनली दोस्तों प्राइस निकल के आ चुका है 9,999, यानी 10,000 में गाइस यहां पर इस फोन को लॉन्च किया गया है। फीचर्स लाजवाब है गाइस, 10,000 के बजट में यह एक वन ऑफ द बेस्ट 5G स्मार्टफोन होने वाला है। मार्केट में अब लाभा जो है गाइस मतलब आग लगाने वाला है, और मुझे तो काफी प्राउड फील हो रहा है भाई, कंपनी इंडिया का है और काफी बढ़िया काम किया है। ले जानते हैं आज के इस वीडियो में क्या कुछ फीचर्स है फोन में, और सब कुछ जानेंगे, कब से कहां से कैसे परचेस करेंगे वो भी बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करते, चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चैनल पर मैंने एक सेटअप टूर अपलोड किया है और एक गिव अवे भी लाइव है, अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पार्टिसिपेट कर लेना और सेटअप टूर भी देख लेना। तो सबसे पहले फोन का डिजाइन के बारे में बात करें तो इसका डिजाइन तो आपको पहले मैं दिखा दिया था, तो आपके सामने है दोस्तों अलग अलग कलर में आपको ये फोन मिलेगा। ट्रिपल रियर कैमरा है, बट कैमरा पैनल का डिजाइन बहुत ही यूनिक है। बैक साइड में आपको लाभा का ब्रांडिंग मिल जाएगा, मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है बैक पैनल, आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं गाइस 10,000 में यानी 9,999 में इस फोन में क्या कुछ तगड़ा मसालेदार फीचर्स दिया गया है। सबसे पहले मीडियाटेक डायमेंसिटी आपको यहां पर 5G चिपसेट मिलता है, मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 का 5G चिपसेट, और ये चिपसेट दोस्तों 7 नैनोमीटर में बना हुआ है और वन ऑफ द बेस्ट 5G चिपसेट है 10,000 में, जहां पर आप गेम काफी अच्छा खेल सकते हैं, 5G का मजा उठा सकते हैं। गाइस सुनने में आ रहा है भाई 8 5G बैंड का सपोर्ट दिया गया है। ओवरऑल यहां पर कनेक्टिविटी आपको तगड़ा मिल जाएगा, यानी आप इतना सस्ते में बेहतर 5G यूज कर पाएंगे लाभा ब्लेज 5G में। इसी के साथ अगर रैम और इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो वो भी भाई यहां पर भर भर के दिया है, तो 4GB का रैम मिलता है, आउट ऑफ द बॉक्स 3GB का आपको वर्चुअल रैम मिलता है, यानी 4 और 3 मिला के 7GB का रैम हो गया, और 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। दोस्तों काफी तगड़ा है गाइस यहां पर रैम और इंटरनल स्टोरेज। इसी के साथ यहां पर अगर बात करते हैं कैमरा सेंसर का, तो बैक साइड में दोस्तों आपको 50 यानी 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा मिल जाता है। ओवरऑल यहां पर कैमरा भी आपको अच्छा मिलने वाला है। सेल्फी की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिलता है गाइस, मुझे तो काफी अच्छा लगा, सब कुछ बेहतर है भाई, प्राइस को मेंटेन करने के लिए सब कुछ मतलब सही रखा है यहां पर। इसी के साथ दोस्तों यहां पर डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंच का एक परफेक्ट साइज का डिस्प्ले यूज किया गया है, जो कि एक IPS LCD पैनल है, जहां पर दोस्तों आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है, काफी बढ़िया है भाई, स्क्रॉल करने का टाइम मजा आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यह डिस्प्ले एक HD प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले है, और साथ ही साथ यहां पर 5000 mAh का बैटरी भी दिया गया है। दोस्तों काफी बढ़िया है भाई बैटरी कैपेसिटी, नॉर्मल यूज करेंगे 2 दिन बैकअप दे देगा, अगर हैवी यूज करते हैं तो फिर भी 1 दिन बैकअप दे देगा, बट फर्स्ट चार्जिंग के बारे में कोई अपडेट निकला नहीं है गाइस। टाइप सी का पोर्ट यहां पर दिया गया है, लेकिन गाइस यहां पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स क्लीन सा UI आपको मिलता है, वो भी एंड्रॉइड 12 के साथ, मतलब भाई क्लीन, यहां पर नो ब्लडवेयर, नो एड्स। और साथ में दोस्तों और एक चीज, यहां पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यूज किया गया है, यहां पर रियर माउंटेड भी चाहता तो कंपनी कर सकता था, लेकिन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है गाइस। ओवरऑल जो फीचर्स है ना वो मुझे काफी बढ़िया लगा। 9,999 में अब तक इंडिया में कोई भी 5G फोन लॉन्च नहीं किया गया था, बट इंडियन कंपनी ने पहली बार लॉन्च किया है दोस्तों, और फीचर्स मुझे काफी पसंद आया, डिजाइन भी ठीक है गाइस। लेकिन आपको कैसा लगा फीचर्स और डिजाइन और प्राइस लाभा ब्लेज 5G का, कमेंट करके जरूर बताना। सबसे पहले इंफॉर्मेशन दिया गाइस, इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना बनता है, और अगर आपने गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मेरा सेटअप टूर वाला वीडियो प्लीज जरूर देखना, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। बाकी मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, जय हिंद, टेक केयर।